हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपने शोल्डर्स के बारे में, और शोल्डर्स मेरा एक बहुत ज़्यादा फेवरेट पार्ट है बॉडी का, और शोल्डर्स को मैं काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेन करता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि शोल्डर को किस तरीके से चौड़ा करें, अपने कंधों को किस तरीके से चौड़ा करें, किसे आप वर्कआउट करें, कितनी एक्सरसाइज करें, कितनी रेपिटेशन करनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि शोल्डर में आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करना है जिससे आपके जो शोल्डर हैं वो काफ़ी थिक दिखें, काफ़ी वाइड दिखें, और आपका जो लुक है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। तो सेट्स बताऊँगा, रेपिटेशन बताऊँगा और सारी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। तो ये वर्कआउट पैटर्न आप बिगिनर हो तब भी फॉलो कर सकते हो, इंटरमीडिएट लेवल पर हो तब भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। कितने कितने रेपिटेशन है, कितने कितने सेट्स है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लें, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पर एक लाइक जरूर से जरूर कर देना। अगर आपको कोई सवाल हुआ करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारी होने वाली है शोल्डर डंबल प्रेस एक्सरसाइज। तो इस तरीके से आपको अपना एंगल सेट कर लेना है और अपना जो वेट है वो मॉडरेट वेट चूज कर लें जब पहला सेट करने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको करना है और आराम से ही नीचे लेके आना है और आराम से ही ऊपर लेके जाना है आपको। तो इस तरीके से आपकी पोजीशन रहने वाली है और इसके जो रेपिटेशन हैं वो आपके रहेंगे 10 से 12 15 रेपिटेशन तक कर सकते हैं आप लोग। और इसके सेट आपको चार करना ही करना है। अगर आप चार सेट करोगे तो ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर पाओगे, तीन सेट करोगे तब भी हो जाता है, पर इतने अच्छे से आपके लोड नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगी ज़्यादा। अगर आपको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करनी है तो चार सेट तो आपको करना ही करना है। तो इसके भी आपके चार सेट रहेंगे, रेपिटेशन आपके 10 12 15 तक रहने वाले हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारे होने वाली है साइड लेटरल रेज। और साइड लेटरल रेज जो होते हैं वो हमारे जो साइड जो लुक आता है शोल्डर्स का, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जो साइड का जो लुक आता है, मतलब इस तरीके से देख सकते हैं, ये जो आपके होते हैं साइड लेटरल, इस चीज़ से आपके जो चौड़े होते हैं वाइड होते हैं और आपका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो साइड लेटरल रेज किस तरीके से करना है आपको, ऐसे पोजीशन लेनी, चेस्ट अपना ऊपर रख के हल्का सा इस तरीके से आपको लेके आना है। तो इस तरीके से आपके साइड लेटरल रेज आपको करना है, और साइड लेटरल रेज के थोड़े सेट आपको ज़्यादा करना है। सेट ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके आपको करीब 6 सेट तो करना ही करना है, 6 सेट या फिर 5 सेट भी कर सकते हैं। 3-4 सेट करेंगे तो वो भी अच्छा होता है, पर 5 या 6 सेट करेंगे तो इससे ये वाला हिस्सा आपका ज़्यादा ट्रेन होता है, ज़्यादा अच्छा लुक आता है आपका। शोल्डर हैं वो बिल्कुल गोल हो जाते हैं आपके, अच्छे हो जाते हैं काफ़ी। तो आपको इसके 5 से 6 सेट ज़रूर करना है। रेपिटेशन आपके करीब 15-15, 20-20 तक रहने वाले हैं। तो अगर आप ये सेट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ पर। ज़्यादा जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं या फिटनेस मॉडल होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, तो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आपको साइड लेटरल रेज के करीब 5 सेट या 6 सेट ज़रूर करना है। रेपिटेशन आपके 15 से 20 तक रहने वाले हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली शोल्डर की एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारी होने वाली है शोल्डर मिलिट्री प्रेस एक्सरसाइज, जो कि हमें बारबेल की मदद से परफॉर्म करनी है। और ये एक्सरसाइज आपको खड़े होकर करना है, और खड़े होकर आपको करना है। पोजीशन आपकी नॉर्मल सी रहने वाली है, मैं आपको नॉर्मल सिर्फ खाली रॉड से करके बता रहा हूँ। तो आपको इस तरीके से करना है, इससे आपके फ्रंट जो शोल्डर होते हैं वो ट्रेन होते हैं। ये एक्सरसाइज आपको खड़े होकर परफॉर्म करनी है। रेपिटेशन आपके करीब 15-20 तक रहने वाले हैं, और उसमें वेट थोड़ा सा ठीक रखें, और इससे आपके कोर भी इन्वॉल्व होती है। अगर आप खड़े होकर करते हो इससे कोर भी आपकी मजबूत होती है। नंबर ऑफ रेपिटेशन मैंने बता दी, 15-20 तक रहने वाले हैं। सेट आपको 4 इसके ज़रूर करना है। बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारी फ्रंट रेज होने वाली है, जो कि हमारे फ्रंट शोल्डर की होती है। तो इस तरीके से आपको करना है, आराम से ही नीचे लेके आना है। और इसमें थोड़ा सा वेरिएशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको सिंगल हैंड से अपने रेपिटेशन कंप्लीट करने हैं, 15 रैप्स या फिर 20 रैप्स, जो जितने भी आप करने वाले हो। जब आपके रेपिटेशन कंप्लीट हो जाएं, फिर आपको दूसरे ही हैंड से अपने रेपिटेशन कंप्लीट करना है। जब 15-20 रेपिटेशन आप सिंगल हैंड से कंप्लीट कर लेंगे, दूसरे हैंड से फिर अपने रेपिटेशन कंप्लीट करेंगे, तो इसमें आपको ज़्यादा तगड़ा पंप देखने के लिए मिलेगा। आपके शोल्डर अच्छी तरीके से ट्रेन होंगे और शोल्डर बिल्कुल वाइड हो जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे, और काफ़ी अच्छे से ट्रेन होने वाले हैं आपके शोल्डर। तो इसके भी रेपिटेशन आपके करीब 15-20 तक रहने वाले हैं, और इसमें सेट आपको 4 तो करना ही करना है। बढ़ते हैं अपनी अगली शोल्डर की एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारी रेयर डेल्ट की एक्सरसाइज होने वाली है, जो कि हमारी रोप फेस पुल एक्सरसाइज होने वाली है। इसको आपको रोप की मदद से करना है, जैसे कि इसका नाम है रोप फेस पुल। तो इतना एंगल आप सेट कर लेंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है और ज़्यादा नीचे भी नहीं करना है आपको। और इस तरीके से आपको हल्का सा पीछे हो जाना है, और आराम से ही पीछे लेके आना है आपको, और आराम से ही छोड़ना है। तो इसके भी आपको, तो जैसे आपने देखा होगा जो आपके जो बैक शोल्डर का जो लुक आता है तो वो इसी से आता है। अगर ये एक्सरसाइज आप अच्छी तरीके से करते हो, मतलब जिसको हम रेयर डेल्ट बोलते हैं, तो आपके जो बैक का जो लुक आता है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो ये एक्सरसाइज आपको ज़रूर करना ही करना है। इसके भी रेपिटेशन आपके करीब 15+ रहने ही वाले हैं, और सेट आपके 4 रहने वाले हैं। इसमें 15+ रेपिटेशन करेंगे, और हर सेट में आपको वेट इंक्रीज करना है, वेट बढ़ाते रहना है। और जो बैक शोल्डर होते हैं उस पर लोग फोकस नहीं करते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से ट्रेन करना है। तो बढ़ते हैं अपनी लास्ट शोल्डर की एक्सरसाइज तरफ, जो कि हमारी ट्रैप्स की एक्सरसाइज होने वाली है।
तो ट्रैप्स को आपको ज़रूर ट्रेन करना है। अगर आपके ट्रैप्स जितने अच्छे होते हैं तो हमारा जो शोल्डर का लुक है या हमारी ओवरऑल फिजिक का लुक है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो ट्रैप्स को आपको ज़रूर ट्रेन करना ही करना है। हफ्ते में दो बार ट्रेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ट्रैप्स अगर आप ट्रेन करते हैं, तो मैं नॉर्मल यहाँ वेट चूज़ कर रहा हूँ आपको सिर्फ बताने के लिए। तो आपको इस तरीके से आराम से ऊपर लेके आना है और आराम से ही छोड़ देना है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, मतलब गलत रहती है ये पोजीशन और लोड आता है पर इतने अच्छे से नहीं आता है। तो आपको आराम से नॉर्मल पोजीशन में रहना है और हल्का सा बाहर कर लें अपने हाथ और आराम से ऊपर लेके आएँ, थोड़ा सा होल्ड रखें ऊपर और आराम से ही छोड़ दें। इस तरीके से रखना है आपको। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको ज़रूर करना ही करना है। रेपिटेशन इसके रहेंगे करीब 15+ रेपिटेशन रहने वाले हैं। सेट आप इसमें 3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप रॉड की मदद से भी कर सकते हैं या फिर जो प्लेट्स होती हैं प्लेट की मदद से भी ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपके ट्रैप्स बहुत अच्छे दिखते हैं और आपका जो लुक होता है अपनी शोल्डर का, अपनी बॉडी का, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये वाली एक्सरसाइज आप फॉलो कर सकते हैं, ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपके शोल्डर और आपके कंधे चौड़े हो जाएंगे। कितने रेपिटेशन करना है, कितने सेट करना है, मैंने सब बता दिया है आपको। अगर आप बिगिनर हैं फॉलो कर सकते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, कुछ टाइम हो गया आपको एक्सरसाइज करते हुए, तब भी आप इजीली फॉलो कर सकते हैं ये सारे रेपिटेशन, सारे एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई हैं। ये एक बार ज़रूर फॉलो करें, फिर कहना कि आपको शोल्डर में तगड़ा पंप देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है, अब एक बार ज़रूर ट्राई करना, फिर कहना कि भाई ने कुछ पैटर्न बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, स्काइकिंग हेल्थ नाम से है। ये थी आज की वीडियो।